हे गाइस, वेलकम टू ऑनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो गाइस, हम इम्पोर्टेंट के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, उनको देखने जा रहे हैं। ये जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट निकल के आए, ठीक है, अब दो स्टार्ट करते हैं। पहला केस था ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। ये 1950 का केस है गाइस। इसमें क्या डिफाइन हुआ, इसमें क्या जजमेंट निकल के आया कि भैया ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में, कि राइट टू लाइफ ये क्या है, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू लिया इस आर्टिकल 21 पे, और उन्होंने राइट टू लाइफ को अंडर ए के गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास केस में क्या क्या कि एक आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू लाइफ गाइस, ठीक है। उसके बाद आया रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस। इसमें क्या जजमेंट निकल गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्या है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग क्या है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है किसकी, अगर बात करें फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ले आउट है उसका, ठीक है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं। सेम वही इम्पोजिशन एक और आया कि फुल कोर्ट रूल लिए बताया कि भैया जो प्री सेंसरशिप ऑन ए जर्नल, यानी कि आप किसी भी जर्नल पे, पत्रकारिता पे या किसी चीज पे अगर प्री सेंसरशिप लगाते हो, देन इट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द लिबर्टी ऑफ द प्रेस। ये रिस्ट्रिक्टेड है किसकी, प्रेस की लिबर्टी के लिए, क्योंकि प्रेस की लिबर्टी इज द पार्ट ऑफ द अंडर आर्टिकल 19(1)(a) इज द फंडामेंटल राइट, ठीक है। प्रेस को लिबर्टी है, बट इतनी एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, बट इट्स लिबर्टी एंड विच इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो ये रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962 का, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, 2019-20 से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में। तो इसमें सेडिशंस लॉ के बारे में बताया। सेडिशंस लॉ एक्चुअल में क्या होता है, ये सेडिशंस लॉ एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी तो है इसकी, ऐसा नहीं है, बट ये आईपीसी की धारा 124 ए, आईपीसी की जो अंडर आईपीसी 124A के अकॉर्डिंग सेडिशंस लॉ को चार्ज किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी भी भीड़ को या आप किसी भी मूवमेंट को इंसाइट कर रहे हो, भड़का रहे हो या गलत तरीके से उसको, मतलब इस तरह का इंसाइटमेंट कर रहे हो कि पब्लिक में वो एक मतलब ऐसा ड्रामा, अटैक, झगड़ा या इस तरह की कोई मतलब वायलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, वायलेंस या इस तरीके की जो ओवरऑल मेजोरिटी में ठीक नहीं है, तो वो क्या है, आप पे सेडिशंस के चार्ज लगाए जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962 में बोला कि भैया ये भी क्या है, इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसकी भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों, इंडियन पिनल कोड क्या करता है, इसको पिनलाइज करता है सेडिशन को, और द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्योंकि आईपीसी जो आया था 1860 में एक लॉ बना था उसके अकॉर्डिंग आईपीसी में कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी की जो वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आप किसी को मतलब पनिश नहीं कर सकते, तो आईपीसी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी उसकी है, देन यू कैन पिनलाइज सेडिशंस। ये केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962 में बोला गया। उसके बाद गाइस आता है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। इसने क्या बोला, शंकरी प्रसाद केस में फंडामेंटल राइट्स की जो अमेंडेबिलिटी, यानी आप उसको अमेंड कर सकते हो नहीं कर सकते, ये वाला केस में बताया कि फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों आप 1951 का जो शंकरी प्रसाद केस है उसके अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हो, आपको अमेंडमेंट करने का राइट्स है। इस केस में डील किया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी अमेंडेबिलिटी हो सकती है, ये डील करता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसको अमेंड किया, यानी उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया, सॉरी चैलेंज किया, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसकी जो वैलिडिटी उसको चैलेंज किया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंड किया इस केस को कि भैया जो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर में जो पावर है अमेंड करने की, जो अमेंड करने की पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368, वो क्या है, इट इज, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, कंटेंड किया, दैट इज कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 362, इट इज ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, यही पावर फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करने की, सॉरी अमेंड करने की भी पावर है, यानी कि आर्टिकल 368 खुद को भी अमेंड कर सकता है, कहने का मतलब ये था, ठीक है। किसके पार्ट थ्री में है ये फंडामेंटल राइट्स, इट इज गारंटेड इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट थ्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसका एक पार्ट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आप इनेक्ट कर सकते हो, एब्रेज कर सकते हो, टेक अभी कर सकते हो, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड ऑफ आर्टिकल 32, कि फंडामेंटल राइट जो है वो उनको आप वॉइड नहीं करार दे सकते। क्यों? ये आर्टा आर्टिकल 13(2) में बोला गया, 13(2) में ऐसा बोला गया, ठीक है। आप उनको क्या नॉट वॉइड, वॉइड नहीं बोल सकते, उनको वॉइड करार नहीं दे सकते हो, ऐसा शंकरी प्रसाद केस में कहा गया दोस्तों। उसके बाद आता है बैरूबारी यूनियन केस, 1960 का केस है, समझो 1960 का केस है। इसने आर्टिकल 3 से रिलेटेड था, आर्टिकल 3 के बारे में बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें एग्जामिन की, जैसे आर्टिकल 3 की कुछ चीजें उन्होंने एग्जामिन की, और डिटेलिंग करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने पार्लियामेंट जो है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर द आर्टिकल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द नेहरू नून एग्रीमेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है इस आर्टिकल आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कि वो नेहरू नून जो एग्रीमेंट है उस पर क्या कर सकती है, नेहरू नून एग्रीमेंट पे कोई भी लॉ नहीं बना सकती, कोई भी लॉ तैयार नहीं कर सकती, ये आर्टिकल 3 में ऐसा बोला गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखा है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखा है, और वो पास किया और उसको क्या किया, एनफोर्स कर दिया इस एग्रीमेंट को, कि भैया 9वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये नेहरू नून एग्रीमेंट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान पहुंच जाएंगे उसको क्या है पार्लियामेंट, उसको क्या है सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उस पर रिव्यू नहीं ले सकता है, ऐसा पार्लियामेंट ने कहा, ऐसा कहा गया था, ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको पास किया और इसको इन्फोर्स कर दिया गया, इसको नेहरू नून एग्रीमेंट को, ठीक है। अब आते हैं गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, 1967, इंपोर्टेंट है। गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बोला कि भैया प्रॉपर्टी के मामला एक्चुअल में क्या है, तब तक ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज इट ए फंडामेंटल राइट्स और नॉट, इसकी वैलिडिटी को इन्होंने डिसाइड किया गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट जो इंसर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में बोला 1967 में कि भाई सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उस पर पार्लियामेंट कोई भी पावर नहीं है पार्लियामेंट का, ना वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ना उनको एडवोकेट कर सकती है, ना ही कुछ कर सकती है, तो पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद एक और केस आया रुस्तम कावाजी, सॉरी रुस्तम कावासजी कॉपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा पॉपुलर केस नहीं, इसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को चैलेंज किया, उन्होंने कहा भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इट कैन बी, जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इट कैन बी गाइस क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है अगर उनका खुद का इसमें सेटिस्फेक्शन है, एंड इसको क्या है मैलाफाइट के बेस पे क्वेश्चन भी किया जा सकता है अगर उन्होंने खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन की, इनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इस केस में अगर ग्राउंड ऑफ मैलाफाइट पाया गया तो क्या होगा, इस केस को क्वेश्चन किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस पावर को सॉरी क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा इस केस में कहा गया। उसके बाद आया 1987 में डीसी वाधवा केस, 1987 कोर्ट ने इसमें अपील किया कि भैया इसको आप रीप्रमुलेट कर सकते हो, यानी कि जो ऑर्डिनेंस पावर है इसको क्या कर सकते हो आप रीप्रमुलेट कर सकते हो, किसके साथ, सेम टेक्स्ट के साथ उन्होंने इस केस को सॉरी इस ऑर्डिनेंस पावर को एडिट कर दिया, कोई चांस नहीं दिया टू हाउस यानी पार्लियामेंट के लिए एंड टू पास इट करने के लिए कोई चांस ही नहीं दिया, उन्होंने एज इट इज बोला कि भैया ये ऐसा ऐसा है एज इट इज रख दिया, तो इन्होंने भी कोई खास कुछ इसमें बदलाव नहीं किया, इन्होंने क्या किया था अमाउंट टू वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी स्टेप डाउन, दैट इज ऑल्सो इन्होंने डीसी वाला केस में उसको एज इट इज पाया। अब आता है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2017, इस केस में थोड़ा चेंज आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूल किया कि भाई जो ऑर्डिनेंस पावर है इससे सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि भाई ऑर्डिनेंस पावर हो या नहीं हो इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड है या खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन है इस तरीके से, इसलिए का जुडिशियल रिव्यू होगा, ये इन्होंने खुद के बेस पे किया है या इनका खुद का डिस्क्रिशन है या इन्होंने विवेक तरीके से कर, विवेक होके विवेक सॉरी विवेकशील होकर काम किया कि इन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया, तो इसलिए जो कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2017 था इसने सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू को लेके आए, एंड इन्होंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट लाइक डू नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड्यूरिंग इफेक्ट्स, ऑटोमेटिकली इसको इसका जो इफेक्ट है उसको एंड्योर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को इसमें लाके इन्वॉल्व कर दिया। उसके बाद आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस, ये 1973 का केस आया था, 1973, ठीक है। इसमें क्या रूल आउट हुआ, इसमें क्या कहा गया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको क्या अमेंड नहीं कर सकते,
तो इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें बताई। इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो आर्टिकल 31 सी है कॉन्स्टिट्यूशन का, गाइस जो 24वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1971 में आया, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उन्होंने 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया उसमें इंसर्ट किया आर्टिकल 31 सी को, और उन्होंने 31 सी को इंसर्ट करने के बाद बोला कि भैया इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इस आर्टिकल 31 सी को क्या नहीं कर सकता है, अनरिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, एंड इसको इनेक्ट किया एज ए लॉ विच इज अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू, जो किसके जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट में था गाइस। ठीक है, 31 सी जो आया वो जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने फील किया गाइस उसके बाद कि भाई जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी जो सॉरी जुडिशियल रिव्यू है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको आप अमेंड कर सकते हो, इसको अमेंड करे हो इवन आफ्टर आर्टिकल 36, भाई आप तो इसको क्या कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो, ये तो जुडिशियल रिव्यू है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फेल्ड किया, पार्लियामेंट तो जुडिशियल रिव्यू को क्या कर रहा था, एब्रोगेट कर रहा था, उसको अमेंड कर रहा था। उसके बाद इट ओपन द फ्लड गेट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कि भैया क्या बेसिक स्ट्रक्चर और क्या नहीं है। उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई दोस्तों, और कॉन्स्टिट्यूशन लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़ बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं केसों में बता चुके थे कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। और ये बहुत सारी टाइम बहुत ओवर दिस मेनी केसेस में इट इज डिस्कस्ड अबाउट दिस बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे केसेस में ये बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ, भाई एक नए केस में हर केस में कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया। तो ये केस वन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज वेरी इंपोर्टेंट 1973 केस है, ये आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 1978, इज वेरी इंपोर्टेंट। इन्होंने सबसे बड़ी बात गाइस आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनल लिबर्टी, इसको इतना एक्सपेंस कर दिया, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट कर दिया, इसको बढ़ा दिया, इसका जो दायरा था ना बहुत ज्यादा बढ़ गया इस केस में, कि कोर्ट ने रिटायर्ड किया कि भाई कोर्ट ने देखा कि भाई ये हो क्या रहा है, यानी कि जो टर्म है पर्सनल लिबर्टी ये बहुत वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने डिफाइन किया कि इट कवर्स ए वेराइटी ऑफ राइट्स जो पर्सनल लिबर्टी एंड विच गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन। तो आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया किसमें, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें बहुत सारे मतलब आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू एडुकेशन, राइट टू लाइक दैट मेडिकल आदि बहुत सारी चीजें, ये सारे बहुत सारे केसेस हैं, राइट टू ए लाइफ, राइट टू ए मतलब क्लीन एंड नीट एनवायरमेंट लाइक दैट। तो दिस इज अंडर आर्टिकल 21, बहुत सारे क्लॉज को इसमें आर्टिकल 21 ने डिफाइन कर दिया, और मेनका गांधी केस ने इसका दायरा बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर दिया। उसके बाद आया मिनर्वा मिल केस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ठीक है, इसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से डिफाइन किया इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भैया ये जो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर है खुद की, इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 खुद को ही अमेंड कर सकता है, इसे लिमिटिंग लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ किसकी, खुद की, ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी व्यूड एज द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं कि फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग डीपीएसपी को देना उतना ही जरूरी है। ठीक है, डीपीएसपी इन्फोर्सिबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल है। ठीक है, बट ये एक सिक्के के दो पहलू है, इसलिए फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में एक हार्मनी बनाना दोस्तों, एक हार्मनी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मिनर्मा विल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में बोला गया गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भैया 1980 में ये केस आया मिनर्मा विल्स के बाद, ये ध्यान रखना, इन्होंने डेथ पेनल्टी पे विचार किया, इन्होंने डेथ पेनल्टी पे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे हैड लेड डाउन दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन, सो सर्टेन गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड। तो डेथ पेनल्टी के बारे में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट पंजाब ने बताया कि उस समय तक आपने देखा 1980 में वो अमृतसर केस वगैरह हुआ, वहां पर इमरजेंसी लगा चुके थे, उसके बाद इमरजेंसी के बाद बहुत पंगा हुआ था ना पंजाब में, ये तब तो आया डेथ पेनल्टी के ऊपर कि भाई किसको डेथ पेनल्टी देनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई लाइफ जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का रूल है एंड डेथ सेंटेंस का जो रूल है इससे एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शंस केस में ही देना है डेथ पेनल्टी, ऐसा नहीं किसी भी केस में उठाया डेथ पेनल्टी दे दिया, एंड इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होने चाहिए, ऐसा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर केस में उठाओ आप डेथ सेंटेंस दे दो, ऐसा नहीं,
It has laid down that life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. ये life of imprisonment तो एक law है, एक rule है, ठीक है? But death sentence एक exception है. यानी कि भाई इसको कुछ बहुत सारी certain guidelines हैं, उसी के according चलना होगा. उसके बाद guys आया M.A. खान versus साबानो केस 1985. ये बहुत important है. M.A. खान versus साबानो केस 1985. इसने secularism के बारे में बताया. कैसे देखो ये केस ऐसे हैं, बहुत कम ही पढ़े होंगे आप लोगों ने. जैसे ये एम ए खान वर्सेस साबानो केस है, इसने सेक्युलरिज्म को डिफेंड किया, इसने सेक्युलरिज्म को बताया. इन्होंने कहा कि भैया मेंटेनेंस ऑफ साबानो एंड हर चिल्ड्रन आफ्टर डिवोर्स, समझ लो मेंटेनेंस ऑफ साबानो यानी कि साबानो का जो मेंटेनेंस है और उसके बच्चों का डिवोर्स के बाद भी, ये उसके बारे में था, सेक्युलरिज्म के बारे में था. तो था साबानो इज ए मुस्लिम लेडी, तो उसके जो बच्चे हैं उनके डिवोर्स के बाद उनको कैसे मेंटेन करना है, इस केस में ऐसा बोला. ठीक है, एम ए खान वर्सेस साबानो में अंडर द इस्लामिक लॉ के अंडर में वो एलिजिबल है ओनली वन टाइम मेंटेनेंस ऑफ, ये जो भी है रुपए हैं वगैरह जो भी है, वो सिर्फ एक बार मतलब एलिजिबल होगा कि उसको एक टाइम मेंटेनेंस दिया जा सकता है. बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई इट इन फेवर ऑफ साबानो यूजिंग सेकुलर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या यूज किया भाई, सेकुलर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को यूज किया. उसके बाद किसमें, इट इज नॉट रिगार्डलेस, इट इज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन के रिगार्डलेस है गाइस, जिससे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग सेकुलर का, ये रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन है. सुप्रीम कोर्ट ने साबानो के फेवर में डिसाइड किया ये बात, इट इज रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन गाइस. ठीक है, उसके बाद गाइस आया इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 का केस. इन्होंने के रिजर्वेशन के बारे में बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल भी ये चलता रहता है. रिजर्वेशन के बारे में कहा क्या, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन अंडर आर्टिकल 16(4) यानी कि 16(4) के अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है उसको आइडेंटिफाई करिए आप, किसके बेसिस पे, कास्ट सिस्टम के बेस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस. यानी कि ये इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में क्या इकोनॉमिक बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं करना था, ये इंपॉर्टेंट है. वो पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा कि भैया अंडर द इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 द बेसिस जो आइडेंटिफाइड द कास्ट सिस्टम द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन आइडेंटिफाइड विद द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इकोनॉमिक बेसिस, नॉट इकोनॉमिक बेसिस, नॉट ओनली एन इकोनॉमिक बेसिस, नॉट ओनली एन बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस. अंडर आर्टिकल 16(4) ये परमिट करता है कि आप क्लासिफाइड करो, इनको क्लासिफिकेशन दो बैकवर्ड क्लास का इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस. ऐसा इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में बोला कि भाई आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग आप इनको क्लासिफाइड करो, इनको क्लासिफिकेशन करो कि बैकवर्ड को अलग छाटो और जो ज्यादा बैकवर्ड है उनको छाटो, अलग छाटो. बट एक और क्लॉज था कि भाई रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%. जो रिजर्वेशन का दायरा है 50% से बढ़ के आगे नहीं जाना चाहिए, यानी कि 50% इसकी लिमिट है. एंड रिजर्वेशन जो है इट कैन बी मेड बाई द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया जाएगा. इस इंपोर्टेंट जो रिजर्वेशन है गाइस वो किसके, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया जाएगा. बट यहाँ बोला कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, ये अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन है बट प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है. ऐसा इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के 1992 में गाइस बोला गया. अयो मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ बट देखो जोड़ा पढ़ते हैं जल्दी जल्दी. अब देखो आगे बढ़ते हैं. SR बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस आया गाइस, उसमें क्या बोला गया, ये 1994 का केस है. इसमें बोला गया सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया, किसके सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया. SR बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिफाइन किया अंडर आर्टिकल 356. ठीक है, अब मुझे जरा कमेंट करके बताओ अंडर आर्टिकल 356 क्या है, किसके अंडर आता है और इसमें क्या क्लॉज है. तो ये वर्डिक्ट आया निकल का, इसने कंक्लूड किया कि द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है कैन बी डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट. ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, देखो आर्टिकल 356 में क्या है बताओ, अरे बताओ गाइस, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो डिसमिस है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है, सॉरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो आर्टिकल 356 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिसमिस कर सकता है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट. ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इस पे बहुत सारे क्लॉज हैं इसके आगे पीछे. ये इस पे अगर एक एब्सोल्यूट का मतलब है कि बहुत ज्यादा डिक्टेटर नहीं है कि इसी की चलेगी, एब्सोल्यूट का मतलब है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसे इस पे क्लॉज हैं जो उसको रोक सकते हैं.
सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट। एंड उसके बाद एक वर्डिक्ट आया, उसमें ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पावर को ओनली आफ्टर हिज प्रोक्लेमेशन, यानी कि इम्पोज कर सकते हैं हिज हर रूल अप्रूव बाई बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट इस बात को अप्रूव कर देंगे उसके बाद ही जो प्रेसिडेंट साहब हैं इस वर्डिक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पावर को, क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दे पावर क्या होगी, ये पावर किस पे होगी, डिपेंड अब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर डिपेंड होगी। तो ये क्या होगी, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ये सिर्फ प्रेसिडेंट की पावर नहीं रह गई, अब जब तक दोनों जो पार्लियामेंट के हाउस हैं वो तब तक इसको अप्रूव नहीं कर देंगे इट कुड नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, टिल नाउ जब तक उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जब तक नहीं होगी वो, जब तक दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसको प्रोक्लेम ही नहीं कर देंगे, प्रोक्लेम कर देंगे उसके बाद ही होगा, इम्पोज करेंगे तभी होगा वो, प्रेसिडेंट इम्पोज तभी कर पाएंगे जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल दे देंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि भैया गवर्नर का ऐसा कोई काम नहीं है, प्रेसिडेंट कैन ओनली, ये भाई एसआर मुंबई केस 1994 बता रहा हूँ अभी मैं, इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सॉरी कोर्ट ने बोला, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। सस्पेंड हो रहा तीन तरीके का सस्पेंड, सस्पेंशन होता है, एब्रोगेशन होता है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सस्पेंशन, डिसमिशन और इस तरीके से होता है, संबंध वगैरह होता है। तो ये प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि फेडरलिज्म वॉज डिक्लेयर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तब तक क्या है भैया, जो फेडरलिज्म है वो, सॉरी फेडरलिज्म, सॉरी फेडरलिज्म जो है इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो फेडरलिज्म था तब तक बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो चुका था। तो भैया क्या है, आप बिना दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अप्रूवल के क्या है, इसको आप इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की नीड है, और सिर्फ इस काम को, सस्पेंड करने वाले काम को प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं क्योंकि ये एक फेडरलिज्म का पार्ट है। ये क्या है, फेडरल है, फेडरलिज्म का पार्ट है, और फेडरलिज्म क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब राममूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एक केस है, ये भी इंपोर्टेंट है, 1996 का केस था गाइस। प्रिजनर, जो प्रिजन है, जेल में जो रहते हैं बंदी, उसने प्रिजन, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में था, इसने डायरेक्ट बोला गवर्नमेंट को कि भैया कुछ यूनिफॉर्मिटी लाओ, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी नेशनली और प्रिजनर लॉ एंड प्रिपेयर ए ड्राफ्ट मॉडल प्रिजन, सॉरी मॉडल प्रिजन मैनुअल, खास इंपोर्टेंट नहीं था, तो ये प्रिजन रिफॉर्म्स था, इतना याद रखो गाइस। उसके बाद आया विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस आया गाइस, 1997 का ये केस आया विशाखा, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये विमेंस इशू पर था। ठीक है, राजस्थान का केस 1997 का विमेंस इशू का ये केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में मेंशन किया कि भैया ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड अदर एट वर्क टू प्रिवेंट और डिटर पॉसिबल एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, दिस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट से, दिस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट की भैया ये किसकी, जो एम्प्लॉयर है वहां पर उसकी ड्यूटी है कि वो इस चीज को क्या करे, प्रिवेंट करे, वो रोके कि भैया जहां पे काम कर रहा है वहां पे ये पॉसिबल एक्ट्स बनने चाहिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिटर कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके, उसको प्रोहिबिट कर सके। ये किसकी है, जो एम्प्लॉयर है, जो वहां पर कंपनी का सीईओ, जो भी मैनेजर है, जो भी हेड एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक रेंज ऑफ बिहेवियर प्रोवाइड कराया, उन्होंने बोला कि इससे रेंज ऑफ बिहेवियर विच कैन बी टर्म्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके बारे में बताया, और उन्होंने मैंडेट किया टू क्रिएट कंप्लेंट्स कमेटी कि भैया एक कंप्लेंट कमेटी क्रिएट करो जो इस बात की जानकारी रखेगी कि कौन किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस, इट इज रिलेटेड टू क्या था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि ये वुमेन्स इश्यू से रिलेटेड था। अब आते हैं डॉक्टर टी एम ए पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है, ये थीम थी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से गाइस, इसने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से आर्टिकल 31 का केस था, ये राइट जो है, द राइट अंडर आर्टिकल 31A, सॉरी A1 इज नॉट एब्सोल्यूट और अबव द लॉ, कि भैया इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 331 है वो एब्सोल्यूट नहीं है और ना ही लॉ से ऊपर है, लॉ की कोई कहानी है तो इस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। इन्होंने आर्टिकल 31 के सेंस को समझा और बताया कि इट इज इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन द मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये भैया इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी है तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज कर दिया जाएगा, हाँ कुछ चीजों में स्पेशलिटी दी जा सकती है बट ऐसा नहीं, एंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन वुड अप्लाई इक्वली टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे विल इक्वली अप्लाई
किस पे? दोनों, बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दोनों पर क्या होंगे? इक्वली अप्लाई होंगे, ऐसा डॉक्टर टी एम ए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 में बोला गया है। दैट इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये समझो ये क्या था, ये 2002 का केस है गाइस। इन्होंने वोटर्स के राइट के बारे में जाना, सो वोटर्स राइट टू नो, कि वोटर्स को राइट है जानने का कि नहीं। कोर्ट ने इस चीज को बोला कि भैया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट फ्लोइंग फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनकी राइट टू बी इन्फॉर्म जो है वो क्या है, वो किसको फ्लो करता है? वो फ्लो करता है कहाँ से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन उसने डायरेक्ट किया कि टू सिक्योर एफिडेविट्स बाई कैंडिडेट्स, क्यों? दे आर रिकॉर्डिंग ऑल पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पास्ट और पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस और केसेस अगेंस्ट देम। तो यूनियन ऑफ इंडिया एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की 2002 की कहानी ये थी कि भैया वोटर्स की राइट, वोटर्स को राइट है जानने का कि जो हमारा इलेक्शन, सॉरी कैंडिडेट है, इलेक्शन कैंडिडेट है जो इलेक्ट हो रहा है, जो लड़के आ रहा है या जिसको चुना गया है, उस पर कितने पेंडिंग है क्रिमिनल चार्जेस और कितने केस हैं उसके अगेंस्ट में, ये वोटर्स का राइट है टू नो। दैट से क्या है, फ्रीडम अंडर सॉरी राइट टू बी इन्फॉर्म इज ए क्या, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में बोला गया है। ठीक है, अब एक और केस था 2004 का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने डिसक्वालिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिस्क्रिमिनाइज ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बताया, इस इंपोर्टेंट आ सकता है तो देख लेना। इसने डिल को डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब समझो, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट किया और इंश्योर किया कि भैया एनी रिप्रेजेंटेटिव, जो कोई रिप्रेजेंटेटिव है हु इज कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो उसको क्या होगा, इट इज स्टैंड टू डिस्क्वालीफाई फॉर द सेंटेंस टर्म एंड टिल 6 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई भी जो व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इलेक्टेड होने के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो क्या है, अगर वो 2 साल से अधिक के लिए कन्विक्ट है, देन इट इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द सेंटेंस टर्म जो है। अगर उसको 6 साल की सजा हुई है तो ये दोनों केस में क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा गाइस। अब आता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड था गाइस। सुप्रीम कोर्ट ने इसने वैलिडेट किया कि पार्लियामेंट के पास डिसीजन लेने की ये वाली पावर है कि वो रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकती है एससी एंड एसटी के लिए। ठीक है, ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर है नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में बोला गया कि वो एक्सटेंड कर सकती है अपनी रिजर्वेशन पावर को एससी एंड एसटी के लिए, क्या वो इंक्लूड करके प्रमोशन विद द 3 राइडर्स, इंक्लूड प्रमोशन विद 3 राइडर्स। ठीक है, प्रमोशन के साथ प्रमोशन को इंक्लूड करके 3 राइडर्स को इंक्लूड करके वो क्या कर सकती है, इसको रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकती है। उसके बाद 2007 का केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गाइस, ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था, इज इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई वो ऐसे लॉ बनाए, कंप्लाई करे विद अ सेट ऑफ 7 डायरेक्टिव्स लेइंग डाउन प्रैक्टिकली मैकेनिज्म ऑफ किक स्टार्ट रिफॉर्म, तो खुद से रिफॉर्म हो जाए, किक स्टार्ट रिफॉर्म हो जाए, पुलिस रिफॉर्म हो जाए, ऐसे प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में बोला। उसके बाद आईआर सोलो वाज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बताया और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वर्सेस 9th शेड्यूल प्रोविजन था गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जजमेंट आया आईआर सेलो केस में, उन्होंने वाइग्रसली रीअफर्म किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ किसको, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत अलग तरीके से इन्होंने रीअफर्म किया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। तो 2007 का जो जजमेंट था, इट हैज ऑलरेडी अपेल्ड अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल, ये पहले से ही इसकी वैलिडिटी थी जुडिशरी की टू रिव्यू एनी लॉ, बट एक चीज यहां पर निकल के ये आई कि इट हैव बीन प्लेस अंडर द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू कैन नॉट जुडिशियल रिव्यू, अगर वो 9th शेड्यूल का पार्ट है तो यू कैन नॉट जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू वाज डिक्लेयर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इन आईआर सोलो एंड अदर केसेस। तो ये जो आईआर सोलो केस में बहुत ज्यादा री एफ एम निकल गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू थी जुडिशियरी की, जो रिव्यू करने की किसी भी लॉ को, इसने क्या किया, इन्होंने इंक्लूड करी सॉरी इंक्लूड कर दिया जो 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाएगा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाएगा,
उन्होंने बोला कि इट हैज अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियर टू रिव्यू एंड एनी लॉ इंक्लूडिंग दोज, नहीं चलिए उसकी जरूरत नहीं है, उसका जुडिशियर रिव्यू नहीं हो सकता। इसके बाद आया दोस्तों द सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल धरना, ये था आरटीआई एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। चीफ जस्टिस के ऑफिस में उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक अथॉरिटी, चीफ जस्टिस ऑफिस इज ए पब्लिक अथॉरिटी होता है, उन्होंने बोला विद द मीनिंग ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एज इट परफॉर्म न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन एडिशन टू एट जुडिकेटरी रॉल। ठीक है, ये आरटीआई एंड सुप्रीम कोर्ट से देख सकते हैं आप, देख रहे हैं धरना कैसे। एस के कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस अंडर आर्टिकल आईपीसी 377 होगा ये, 2013 का केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस के कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस आया, इसका था वल्नरेबल सेक्शन जो है एलजीबीटी लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर का केस था ये, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए गाइस। ठीक है, 2013 का केस है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कि भैया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कंसेंशनल एडल्ट सेक्स है वो क्या है, उसको डिक्रिमिनलाइज बोल दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज डिक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल एडल्ट सेक्स, इट इज सेइंग दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है गाइस एंड पीपल हैव नो कंट्रोल ऑन इट। ठीक है, उन्होंने बोला कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड पीपल हैव नो कंट्रोल ऑफ इट। ठीक है गाइस, पीपल्स का क्या है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस सो इट इज डिक्रिमिनलाइज्ड। ठीक है, इट इज डिक्रिमिनलाइज्ड इफ द सेक्स हैव द कंसेंसुअल एडल्टिंग दैट इज कॉल्ड। उसके बाद बट पोर्शन ऑफ द सेक्शन आईपीसी सेक्शन है 377, इट इज रिलेटेड टू सेक्स विद माइनर्स नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल, ये सेक्सुअल सॉरी कंसेंसुअल सेक्सुअल से नहीं था, कंसेंसुअल सेक्सुअल से नहीं था, सॉरी गाइस थोड़ा मिस हो रहा है मेरा, बट इट इज ए एक्ट, इट एक्ट सच एज रेप एंड बेस्टिलिटी रिमेन इन फोर्स। जो पोर्शन ऑफ सेक्शन आर्टिकल 3 सॉरी आईपीसी 377 है, इट इज रिलेटिंग टू सेक्स विद माइनर्स नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट सच एज रेप एंड बेस्टिली रिमेन्स इन फोर्स, ये उनके लिए था। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपोर्टेंट, ये भी केस आया, ये भी एलजीबीटी कम्युनिटी से था। एस के खोसला 2013 का केस है, उसके बाद 4 साल बाद आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज वेरी लाइमलाइट केस। इन्होंने बोला एक लैंडमार्क वर्डिक्ट आया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने भैया जो कंट्रोवर्शियल सेक्शन था 377 इसको स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। इन्होंने 58 साल पुरानी जो कॉलोनियल लॉ था कंसेंसुअल गे सेक्स को, उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स ओन डिसीजन जो 2013 का था, उस पर रिवर्स हो गया, वो उल्टा कर दिया उन्होंने एंड सेड सेक्शन 377 इज इरेशनल एंड आर्बिट्रेरी। ये भाई 377 बहुत इरेशनल है और आर्बिट्रेरी है, बट एलजीबीटी कम्युनिटी हैज सेम राइट्स एज ऑफ एनी ऑर्डिनरी सिटीजन, क्योंकि एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके पास सेम राइट है जो हमारे पास ऑर्डिनरी पीपल्स के पास, ऑर्डिनरी सिटीजंस के पास है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल चॉइस इज द एसेंस ऑफ लिबर्टी, उन्होंने बोला कि जो रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल चॉइस इज द एसेंस ऑफ लिबर्टी, ये एसेंस ऑफ लिबर्टी का पार्ट है। एसेंस ऑफ लिबर्टी क्या है, इज ए फंडामेंटल राइट्स, एसेंस ऑफ लिबर्टी इज ए लिटिल बिट फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद एलजीबीटी कम्युनिटी पजेज इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास सेम राइट है जो ऑर्डिनरी पीपल्स के पास है। उन्होंने क्रिमिनलाइज किया गे सेक्स इज इरेशनल एंड इनडिफेंसिबल, गे सेक्स जो है वो क्रिमिनलाइज किया उन्होंने, क्रिमिनलाइजिंग गे सेक्स इज ये इरेशनल है और इसको इनडिफेंस किया जा सकता है, उसको इनडिफेंसिबल हो गया ये केस। ठीक है, इन्होंने एस के कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस को पलट दिया गाइस। ठीक है, आपको पता है क्या बोला कि आर्टिकल 330 सॉरी 37 आईपीसी 377 जो है, सॉरी गाइस, ये रिलेटिंग है सेक्स विद माइनर नॉन कंसेंसुअल सेक्स एंड ये अगर ऐसा होता है तो इट एक्ट सच एज रेप एंड बेस्टिलिटी रिमेन इन फोर्स, ऐसा होगा देन इट टुक चार्ज ऑन क्या होगा आईपीसी सेक्शन 377 और आपको जेल होगी, ऐसा बोला कि अगर आप एलजीबीटी हैं वगैरह वगैरह हैं तो इट इज नॉट नॉन इट इज नॉन कंसेंसुअल। उसके बाद नवदेव सिंह जौहर केस में इन्होंने इसको पूरा पढ़ दिया कि भैया उनके पास भी सेम राइट है जो ऑर्डिनरी पीपल्स के पास है, सो दैट इज टोटली डन, एलजीबीटी कम्युनिटी हैज द इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, अब देखो आते हैं, अब नेक्स्ट है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 की बात, ये नोटा से रिलेटेड है 2013 से। ये नोटा क्या है आप सब जानते हैं, राइट ऑफ सिटीजन टू कास्ट नेगेटिव वोट, अपना वोट जो है नेगेटिव तरीके से डालना, मतलब उसको नोटा मतलब होता है नो
पर्सन को, किसी को वोट नहीं देना, नोटा का मतलब ये है समझो, किसी को वोट नहीं देना है नोटा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू वोट है इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए राइट नॉट टू वोट एंड रिमेन न्यूट्रल, यानी कि जितना राइट टू वोट देने का राइट है उतना ही राइट नॉट टू वोट देने का भी सिमेन न्यूट्रल राइट है, यानी आपको देना है नहीं देना है नोटा यूज करना, दैट एंड यू कैन चॉइस इट, बट राइट टू सीक्रेसी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो राइट टू सीक्रेसी है वो इंटीग्रल पार्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। पीपल जो हु डिड नॉट वोट शुड नॉट बी विक्टिमाइज, यानी कि जो वोट नहीं देना चाहते या नहीं दे रहे हैं उनको विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज राइट टू सीक्रेसी, इज द पार्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पीपल हु डिड नॉट वोट एंड शुड नॉट बी विक्टिमाइज, ठीक है, ये समझो। ये पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल सिविल लिबर्टी की बात होगी, ये सिविल लिबर्टी के अंडर आता है, समझना। फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज अंडर द सिविल लिबर्टी, यानी कि सिविल राइट, लीगल राइट कह सकते हैं। कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है, इसको अका बोल सकते हैं, अरुणा सहनभाग केस, इनकी राइट टू डाई विद डिग्निटी इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये केस था दोस्तों 2013 का, इसने राइट टू डाई विद डिग्निटी एंड आर्टिकल 21 के बारे में अपेल किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट हेल्ड दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट, टू डाई विद डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट, बट जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है इट ऑल्सो हेल्ड, उन्होंने बोला कि पैसिव पैसिव इथेंसिया एंड ए लिविंग विल ऑल्सो लीगली वैलिड। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपेल्ड बोला, अपेल्ड किया, उन्होंने बोला कि पैसिव इथेंसिया जो है गाइस इट इज ऑल्सो द क्या है लीगली वैलिड, इट इज ए लिविंग विल एंड ऑल्सो लीगली वैलिड, ऐसा राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल एंड आर्टिकल 21 केस में बोला, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी अरुणा सानुभाग केस की बात थी गाइस, ठीक है। लाइक यानी कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपहेल्ड किया, ऐसा नहीं था, बट लिविंग विल ऑल्सो लीगली वैलिड, ये भी तो वैलिड है। अब देखो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की कहानी है, ये ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर इसमें एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, इन्होंने बोला जो वनरेबल सेक्शन है यानी जो ट्रांसजेंडर है, एक लैंडमार्क डिसीजन आया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ट्रांसजेंडर जो है इट पीपल टू बी ए थर्ड जेंडर, ठीक है, एक तो वीमेन हो गया, मैन हो गया, थर्ड जेंडर कौन है, ट्रांसजेंडर, तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर कैटेगरी में डाल दिया ट्रांसजेंडर को, एंड इट इज अफर्म दैट दे हैव द फंडामेंटल राइट्स एंड गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ट्रांसजेंडर पीपल, जितने भी फंडामेंटल या जितने भी राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइड टू ट्रांसजेंडर एज ए क्या ऑर्डनरी पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने इट ऑल्सो गेव देम द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर एज मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, उन्होंने बोला कि आप खुद ही सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप इनमें से क्या हो, ये उनका खुद का सेल्फ डिसीजन बना दिया, उन्होंने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मैटर बोल दिया इस केस में गाइस, ठीक है। अब शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस ये था कि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डेथ पेनल्टी में इतना डिले क्यों होता है कई बार, इससे अनड्यू डिले बाई प्रेसिडेंट एंड रिजेक्टिंग मर्सी टू ए डेथ रो कन्विक्ट, देखो पढ़ सकते हैं, वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, ये क्या है यहाँ समझो, सफरिंग दैट कम्स विद एंटीसिपेटिंग डेथ ऑन एन एवरी डे बेसिस फॉर द जज अमाउंटेड टू टॉर्चर विच कैन वायलेट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इन्होंने बोला भैया किसी आदमी को डेथ पेनल्टी दे दिया, ठीक है, बट वो एक्चुअल में क्या है उसको एंटीसिपेटिंग डेथ के साथ क्या है सफर कर रहा है वो बहुत ज्यादा कि भाई आज मरना है कल मरना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वैसे तो मरना ही है, उसको डेथ पेनल्टी है मतलब उसको फांसी की सजा मिल चुकी है, बट वो एक्चुअल में है क्या वो प्रत्येक दिन एवरी डे बेसिस पे वो मर रहा है, टॉर्चर हो रहा है उसको, सो दैट इज वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये भी अगर जो राइट टू डिग्निटी से मरना फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो डिग्निटी से मरना ये भी तो एक फंडामेंटल राइट हो गया, अगर डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इज ए फंडामेंटल राइट अगर है तो ये भी तो अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स हो गया गाइस, वो तो पहले डेली जो है उसको पता कि भाई डेथ पेनल्टी दे दी उसको जल्दी से पेनल्टी दो डेथ पेनल्टी दो खत्म करो कहानी, तो इससे अच्छा है कि वो रोज सफर नहीं करेगा, रोज घुट घुट के नहीं मरेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गाइस। शत्रुघ्न चौहान किस में ऐसा बोला गया। अब आया श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन से रिलेटेड था, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन समझो क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट 2005 का जो सेक्शन 66A है, इट इज एज अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक इट डाउन। इसको स्ट्रक कर दिया यानी कि खत्म कर दिया इस केस में, सिरा सिंगल केस में। कोर्ट ने बोला कि ये लॉ है विच वॉज ऑफन मिस यूज बाई पुलिस इन वेरियस स्टेट टू अरेस्ट इनोसेंट पर्सन फॉर पोस्टिंग क्रिटिकल कमेंट्स अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज एंड लीडर्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट हिट एट द रूट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन द टू कार्डिनल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस केस में बोला गया, श्रेया सिंगल केस में, पहले तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया और स्ट्रक डाउन कर दिया। सॉरी कोर्ट ने उसके बाद बोला कि ये जो लॉ है ये हमेशा पुलिस के द्वारा मोस्टली मिस यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसके लिए? वो क्रिटिकल कमेंट्स किया उसने, उसको कोई डिसीजन नहीं है कैसा किया क्या नहीं किया, उसको पोस्ट किया है क्रिटिकल कमेंट क्या सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज पे या सोशल मीडिया पे कर दिया है या किसी लीडर के अगेंस्ट बोल दिया है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो उनको उठाया और क्या किया, अरेस्ट किया और अंडर डाल दिया। और इट इज, सबसे बड़ी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हिट करता है राइस, इट इज हिट द रूट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये समझो ये मेन कॉज जो है ये वाला, कि भाई ये क्या करता है, इट इज हिट एट द रूट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन द टू कार्डिनल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये क्या है, डेमोक्रेसी के दो पिलर हैं, कौन कौन से, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गाइस। ये इन्हीं को हिट कर रहा है कि यानी कि कोई भी इंसान है उसको कोई लिबर्टी नहीं है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं, जबकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)A। तो ये तो डेमोक्रेसी के पिलर है, तो आप क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी को ही वायलेट कर रहे हो। कोई भी पुलिस आया, उसने किसी ने कमेंट किया सोशल मीडिया पर, तो इस केस में श्रेया सिंगल केस में क्या किया, क्या सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है आप किसी को इस तरीके से नहीं पकड़ेंगे। अब आगे समझो गाइस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ 2015, ये भी बहुत खतरनाक था। इसमें बोला गया, इसको NJAC बोला जाता है, 2015 का केस है, इसने सेपरेशन ऑफ पावर बोला। ये गाइस UPSC 2021 में क्वेश्चन आया था कि भैया व्हाट इज द फेडरल करेक्टर ऑफ दिस, तो सेपरेशन ऑफ पावर द फेडरल करेक्टर, और उन्होंने ये बोला था कि डेमोक्रेसी को राइटली डिफाइन करो, एक क्वेश्चन था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड था गाइस, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड था, ठीक है, कि सेपरेशन पावर इज द क्या है, यानी क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। ये आ रहा, बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। देखो ये सेम केस आया सिरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से ही उठाया गया है कि सेफ गार्ड और ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब समझो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, किसको, NJAC को। NJAC दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस था 2015 का, इसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ फेडरल करेक्टर, फेडरल फीचर, बट इन्होंने बोला कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट को नहीं इन्वॉल्व कर सकते हो जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है, ये हमारा लुकआउट है, हम देखेंगे इसको। उसके बाद गैस आया राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस ओर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओर्स अदर्स 2016 का केस, ये रिजर्वेशन पे था, किसको, जो PWDC हैं, ठीक है, जो PWD वाले जो होते हैं ना, मतलब डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनके लिए था गैस। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पूरा पढ़ना पढ़ लेना आप देखते, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करते हैं गाइस, अब इन्होंने रिजर्वेशन 3% रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज वेल एज इन प्रमोशन, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात की थी इन्होंने, ठीक है पढ़ लेना। अब आता है जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसने प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है इस बार UPSC में 2021। उन्होंने बोला कि जो जजमेंट ने, ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। उन्होंने बोला राइट टू प्राइवेसी इज ए प्रोटेक्टेड एज ए फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि भाई जो राइट टू प्राइवेसी है ये अंडर आर्टिकल 21 तो है ही है, बट ये प्रोटेक्ट करता है गाइस फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कौन कौन से, किसके अंडर में, 14, 19, 21, इन सबको। इसने अनॉनिमसली बोला कि जो कोर्ट है वो हेल्ड करता है कि द राइट टू प्राइवेसी वो प्रोटेक्ट करता है इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, जो इंट्रेंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अंडर आर्टिकल 21।
एंड एज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम गारंटेड बाई पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट तीन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है गाइस, ठीक है। इट इसकी जो एक्सप्लिसिटी ओवर रूल प्रोविजन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड खड़ग सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, देखिए इसकी एक्सप्लिसिटी को ओवर रूल किया है इस केस में जो नीचे गिवन आपको, ठीक है। तो केस पुत्र स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21 इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद आया देखो जस्टिस के एस पुत्तास्वामी, ये भी 2017 का केस था, ये एक और केस था आधार एंड राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को रूल किया कि आधार जो है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विस वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आधार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है गाइस, आधार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इसको मैंडेटरी बनाना या जो गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड अवेल करा रही है इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट को आधार के बेस पर ये चीज़ें प्रोवाइड करानी है, दिस इज नॉट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो चाहे वो आधार पैन कार्ड हो, आधार पैन कार्ड लिंकिंग इज मैंडेटरी, बैंक्स एंड टेलीकॉम कंपनीज कैन नॉट आस्क पीपल टू लिंक देयर बैंक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर्स विद आधार, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे बड़ी बात समझो, जस्टिस के एस पुत्तास्वामी केस में भी ये बोला गया कि आधार और पैन कार्ड लिंकिंग करना इज मैंडेटरी, बैंक एंड टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वो लिंक जो है बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर्स का लिंक करने का आधार के साथ, वो बैंक कंपनियां कैन नॉट आस्क पीपल, वो पीपल से नहीं पूछ सकते, लोगों से नहीं पूछ सकते, ये उनका खुद का राइट है, ठीक है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट ऑल्सो मीन्स दैट बैंक्स एंड मोबाइल फोन कंपनी जो हैं वो किसी को भी इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट एनी मोर इंसिस्ट ऑन आधार नंबर टू वेरीफाई योर डिटेल्स एंड ऑल, यानी कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स के लगाने के लिए कि भैया आप बतानी है आपको, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप समझो। अब आया एक ट्रिपल तलाक एंड सायरा बानो केस 2017। ट्रिपल तलाक, ये जेंडर इक्वलिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो मेंस की जो आंसर राइटिंग में इसको कोट कर सकते हो, तो जेंडर इक्वलिटी वर्सेज फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर ही आया ट्रिपल तलाक सायरा बानो केस 2017। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भाई जो डाइवर्स है किसके थ्रू होता है, अगर ट्रिपल तलाक के थ्रू हो रहा है, स्टैंड ट्रिपल तलाक जो होता है ना, तलाक 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 ऐसे बोला जाता है, वो अगर हो रहा है एमंग मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के बीच में, इट वुड बी वॉइड, वो वॉइड है भैया, क्या है वो पूरी तरीके से निरस्त किया जाएगा, इट इज़ वॉइड, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसके बाद इस जजमेंट ने एक क्या किया, लॉ को इफेक्ट कर दिया, यानी कि लॉ बना दिया कि भाई जेंडर इक्वलिटी वर्सेज फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये एक पार्ट है, आप इस तरीके से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकते, सॉरी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा नहीं सकते, किसको, जेंडर इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया आपका ट्रिपल तलाक। अब देखो बैन ऑन दिवाली फायर क्रैकर्स इन दिल्ली केस आया 2017 का केस है, एयर पॉल्यूशन वर्सेज इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, 2018 अक्टूबर की कहानी है। इन्होंने रूल किया कि जो ये ब्लैंकेट बैन, यानी पूरी तरीके से आप फायर क्रैकर्स को दिल्ली एनसीआर में बैन करना था, रूलिंग आउट ए ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, ये केस आया बैन ऑन दिल्ली दिवाली, सॉरी बैन ऑन दिवाली फायर क्रैकर्स इन दिल्ली, बट द सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया द सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, यानी जो विदाउट ग्रीन क्रैकर्स थे उनको उस पर बैन लगा दिया, उसको पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन बना लगा दिया, ब्लैंकेट मतलब पूरी तरीके से बैन, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है भैया ग्रीन क्रैकर्स को बेच सकते हो, ठीक है। अब आया साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस, ये इंटरनेट फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑनलाइन से रिलेटेड था, साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो रिस्पोंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट या याहू या ऑटो ब्लॉक, ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं रिलेटेड टू सेक्स सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट रिस्पोंडेंट के गूगल माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू इज ऑटो ब्लॉक, इनको ऑटो ब्लॉक करना चाहिए उन एडवर्टाइज को, यानी कि अपनी तरफ से ब्लॉक करो उनको, भाई ये ऐसे नहीं कि जा रहे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं दिखा रहे हैं, इनको ऑटो ब्लॉक करना चाहिए इन सारी कंपनियों को जितनी भी हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, एंड अगर वो किससे, उस सेक्स सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन से, इन सेक्स रिलेटेड कोई भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए, किसको, इन कंपनी को गाइस। ये केस साबू मैथ्यू जॉर्ज वाले यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया। उसके बाद इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया आया, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेज जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड था। 28 सितंबर को 5 जज की बेंच बैठी, उन्होंने बोला भैया केरला की कहानी थी,
2018 में वुमेन कैन नाउ एंटर सबरीमाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये केस आया, इन्होंने बोला, ये वर्डिक्ट आया, इट हैड वे फॉर एंट्री ऑफ वुमेन एंड ऑल एजेस इनटू द सरी सेइंग द बैन अमाउंटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो 2018 में ये आया कि भैया अगर आप इस तरीके से उन महिलाओं को रोक रहे हो, एक दायरा था, एक उम्र का दायरा था, इस उम्र के दायरे से बाहर की महिलाएं या अंदर की महिलाएं जो भी हैं वो नहीं जा सकती थी उस सबरीमाला टेम्पल में, तो दैट इज आप क्या कर रहे हो, आप वॉयलेट कर रहे हो किसको, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सॉरी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट कर रहे हो, आप वॉयलेट नहीं कर रहे हो, वॉयलेशन तो आप कर ही रहे हो जेंडर का, जेंडर इक्वलिटी का। ठीक है, तो इस वर्डिक्ट ने बोला कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कस्टम ऑफ बेयरिंग वुमेन्स है ये क्या है, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 25। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप आर्टिकल 25 को वॉयलेट कर रहे हो, उसका आर्टिकल 25 का क्लॉज एक है उसको वॉयलेट कर रहे हो, एंड रूल जो है रूल नंबर 3B ऑफ केरला हिंदू पुलिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप रूल्स को भी वॉयलेट कर रहे हो गाइस। ठीक है, दो दो चीज़ें आप वॉयलेट कर रहे हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आप कस्टम ऑफ बेयरिंग वुमेन्स उनको वॉयलेट कर रहे हो अंडर आर्टिकल 25(1)A जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और रूल नंबर 3B जो केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हो गाइस। ठीक है, उसके बाद केस आया एडल्ट्री 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एडल्ट्री से रिलेटेड था कि भाई एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, इन्होंने ऐसा बोला इस केस में 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया जो सेक्शन 497 सेक्शन जो आईपीसी का 497 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गाइस। क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड एडल्ट्री इज नो लॉन्गर ए क्राइम, एडल्ट्री जो है वो कोई क्राइम नहीं है, बट इफ लीड टू समवन कमिटिंग सुसाइड, एडल्ट्री मतलब एडल्ट होने के बाद अगर वो कोई सुसाइड वगैरह कमिट करता है देन ये एक्ट क्या होगा, ये एक्ट भैया तुरंत किस में आ जाएगा, पिक्चर में आ जाएगा, देन एक्ट विल बी ट्रीटेड एज ए क्राइम अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि उस पर आपको एज ए क्रिमिनल देखने लग जाएगा। ठीक है, बट एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, दैट ये 2018 का जो जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस आया इसमें बोला गया ऐसा, आप इस तरह की हरकत करेंगे ना जैसे सुसाइड वुसाइड तो आपको क्या है, ये पिक्चर में आ जाएगा और आपको एकदम क्रिमिनल बना देगा, जबकि एडल्ट्री इज नो लॉन्गर ए क्राइम बट इट विल कंटिन्यू टू बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स तो है एडल्ट्री बट ये कोई क्राइम नहीं है। नेक्स्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग गाइस, जुडिशियल प्रोसीडिंग आया स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की कहानी। इसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बोला कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, सनलाइट जो है सूरज से जो लाइट आती है वो क्या सबसे ज़्यादा डिसइन्फेक्टेंट है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि सुप्रीम कोर्ट की बंच ने ऐसा बोला एंड ऑर्डर किया कि भैया लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग यस्टरडे 26 सितंबर 2018 ये ट्रांसपेरेंसी से था जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में होती है, ऐसा इस केस में बोला गया। उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट का एक और केस एससी एंड एसटी के रिजर्वेशन से था 2018 का, जनरल सिंह वर्सेज एल एन गुप्ता केस। इन्होंने सुप्रीम एससी एंड एसटी को जो है एज ए स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि भाई जो रिजर्वेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल ईयर के बारे में बोला इन्होंने कि भैया ऐसा होना चाहिए। उसके बाद पावर टसल बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था 2018 का गाइस। ये फेडरलिज्म से रिलेटेड था क्योंकि जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के उनके बीच में और दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसके बीच में थोड़ा टसल आ गया था। अब देखो क्या था, ये अगर बात की यहाँ से एक फेडरलिज्म का एक सही तरीका निकल गया है, कॉलिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैग्मेटिज्म एंड अंडरलाइंग द क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैग्मेटिज्म है और उसके अंडर में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके बारे में बोला बेंच ने, बोला भैया क्लियर किया कि जो स्टेटस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है उनके जो पावर है उनका जो स्टेटस है इज नॉट दैट ऑफ ए गवर्नर ऑफ स्टेट। वो ऐसा ना समझें कि उनके पावर जस्ट लाइक ए गवर्नर के हैं, जो गवर्नर ऑफ स्टेट के पावर रहते हैं होते हैं ऐसे हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट। उन्होंने बोला कि इट इज रदर ही रिमेन्स एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, बट इन लिमिटेड सेंस वर्किंग विद द डेजिग्नेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, उनको क्या है अपने वर्किंग करना चाहिए एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज ए डेजिग्नेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट इनकी जो पावर है वो गवर्नर ऑफ स्टेट से डिफरेंट है गाइस। ठीक है, तो दैट इज क्लियर किया उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैग्मेटिज्म है एंड अंडरलाइंग द क्लियर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, इज द पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना किसी भी स्टेट में
स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरेटरी में, सॉरी स्टेट में तो नहीं, यूनियन टेरेटरी में या किसी भी स्टेट में गवर्नर होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरेशन का एक पार्ट होता है गाइस, वो फेडरलिज्म होता है। वर्डिक्ट ऑन रोहिंग्या क्राइसिस, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2021, इन्होंने बोला भाई डिपोर्टेशन वर्सेज रिफ्यूजी के राइट्स पे, सुप्रीम कोर्ट की कहानी इन्होंने रिजेक्ट किया इस प्लिया को और बोला कि भाई जो डिपोर्टेशन है अब सेवन रोहिंग्या इमिग्रेंट का म्यांमार फ्रॉम आसाम, दैट इज क्या खत्म, पूरी तरीके से खत्म को, ये भाई कोई राइट नहीं है, खत्म करो इसको कहानी को, ऐसे कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट एंड SC ST एक्ट आया 98 का, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द्वारा डायर निकल गया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया किसको, वल्नरेबल सेक्शंस को, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन निकल गया है। देखो बहुत सारे केसेस हैं, एक बार आप जाओ जल्दी जल्दी इनको पढ़ के ना, दो तीन बार जब देख लोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डायल्यूट किया कि भैया जो लॉ प्रोविजन है, यानी कि लॉज प्रोविजन है, उन्होंने कहा कि जो पब्लिक सर्वेंट है इट कैन नॉट बी अरेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर ए कंप्लेंट टू फाइल अगेंस्ट देम अंडर द लॉ, यानी कि किसी भी जो अधिकारी है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दिया, उसको इमीडिएटली गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट अंडर द लॉ कोई भी कंप्लेंट की गई है उसमें थोड़ा सा क्लॉज लो। इट ऑल्सो अलाउ फॉर एंटीसिपेटरी बेल विच वॉज नॉट द केस इन द SC ST एक्ट 1989। उन्होंने अलाउ किया कि भाई इस केस में ऐसा होता है तो एंटीसिपेटरी बेल अलाउ है, ठीक है, अगर वो SC ST एक्ट नहीं है, अंडर आर्टिकल अंडर 1989 एक्ट अकॉर्डिंग SC ST एक्ट 1989 के अंडर नहीं है तो इसमें एंटीसिपेटरी बिल मिल सकती है उसको। उसके बाद पार्लियामेंट पास कर सकती है कोई भी अमेंडमेंट बिल इन अगस्त, उसके बाद क्या किया, सॉरी पार्लियामेंट ने पास किया एक अमेंडमेंट बिल इन अगस्त 2018 टू रिवर्स द वर्डिक्ट, उसके बाद इस जो वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट ने, ठीक है। अब आता है अनिरुद्ध भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था, अनिरुद्ध भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया गाइस, इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रूलिंग बताई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि भैया ये सॉरी फाइमा सरीन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड हैड सेम जजमेंट, यही केस था, उन्होंने बोला कि एक्सेस टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट, भाई समझो इंटरनेट को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, यानी एक्सेस टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे तो। उसके बाद उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर जो है उसके, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने रिव्यू किया विद इन ए वीक ऑल ऑर्डर इम्पोजिंग कर्व्स द यूनियन टेरेटरी, जब तक कि वो यूनियन टेरेटरी अवॉइड हो रहा था, सेक्शन 144 CRPC जो इस प्रोबिटरी था इस ऑर्डर में, उसने बोला कि इट कैन नॉट बी यूज इनडेफिनेटली टू सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था और ये केरला स्टेट से भी रिलेटेड था कि भैया सेक्शन 144 जो है CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर्स का, ये ऑर्डर्स को प्रोबिट तो करता है बट इट कैन नॉट बी यूज इंडेफिनिटली, इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंडेफिनिट टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को या उनके डिफरेंस ओपिनियंस को दबा नहीं सकते हो गाइस, ऐसा बोला गया। बेंच ने ऐसा बोला कि इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसके अकॉर्डिंग एक्सेस और इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट है, बट इट्स सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या, उन्होंने बोला इट हैज सेट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ए वैल्यूएबल एंड स्केयर्ड राइट्स, उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन एंड सेड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ए वैल्यूएबल एंड स्केयर्ड राइट्स, कुछ राइट्स हैं क्या, अगर हमारे देश आज हमारी कुछ मेजोरिटी को प्रॉब्लम है, ऐसा है तो इस पर क्या है, थोड़ा सा प्रोबिट किया जा सकता है, थोड़ा सा इंटेक लिया जा सकता है और इसको क्या स्टॉप किया जा सकता है, तो ये राइट है, दैट इज ऑल्सो राइट बट सम सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है, ऐसा इस केस में बोला गया, केरला में भी हुआ और जम्मू कश्मीर। उसके बाद गाइस नेशनल फेडरेशन आया ऑफ सोसाइटी, नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस एंड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है, ये ग्राम न्यायालय से रिलेटेड था, नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज का। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई जो जितने भी स्टेट्स हैं टू कम आउट विद द नोटिफिकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग, उनको क्या करना चाहिए, ग्राम न्यायालय एक मंथ के अंदर ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश करना चाहिए। और उन्होंने पूछा कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास एक्सपीडिएट प्रोसेस होना चाहिए इनको कंसल्ट करने का विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस इशू, तो दिस इज रिलेटेड टू ग्राम न्यायालय। उसके बाद आया सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वर्सेज बबीता पुनिया, 2020 केस था बबीता पुनिया, ठीक है, ये वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था गाइस ये वाला केस। तो वीमेन एम्पावरमेंट पे ये बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया 17 फरवरी 2020 की बात है, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने ग्रांट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो परमानेंट कमीशन है टू वीमेन ऑफिसर्स इन द
आर्मी, ठीक है, इट इज ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू वीमेन ऑफिसर इन द आर्मी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, द वीमेन ऑफिसर लिटिगेंट हैड बीन फाइटिंग द केस फॉर 14 इयर्स। ये 14 सालों से ये जो है क्या नाम है बबीता पुनिया एक केस लड़ रही थी और ये वीमेन एम्पावरमेंट से लड़ता था कि भैया क्या होना चाहिए, एक परमानेंट कमीशन बनना चाहिए आर्मी में स्पेशली वीमेन्स के लिए, वीमेन ऑफिसर्स के लिए एक परमानेंट कमीशन बनना चाहिए जो कि क्या हो उनके जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस हैं वो उनके अकॉर्डिंग चल सके। द वीमेन ऑफिसर लिटिगेंट जो है इट हैड बीन फाइटिंग द केस फॉर, और इस केस के लिए क्या 14 साल से की महिला केस लड़ रही थी गाइस, ठीक है। देखो 2020 तक के सारे केस गाइस हमने ऑलमोस्ट देख चुके हैं, ठीक है, अब कुछ ऐसा बचा नहीं है, सारे केसों को हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी के आगे क्या कहानियां देखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बचा, सब सारा हो चुका है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे और सारी चीज़ें कर पा रहे होंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सारे केस हमने कर लिए हैं। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, और देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर दबा के शेयर कर दो गाइस, ठीक है।